से स्वागत है हमारा चैनल ग्लोबल एक्टिविटीज़ में। और आज की वीडियो हमारी ये जो कि मेरे पावर टिलर के पीछे सपोर्टर है, सपोर्टर बिल्सा एक टूट चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह आपको नया लगा के और किस तरह आपको फिटिंग करना है। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ जो कि मेरा टूट चुकी है। मैं पहले से इसको होल्डिंग किया, पहले बार भी टूटा है तो इसको मैं होल्डिंग करके एक साल तक चलाया, फिर अभी फिर से अभी वही वहाँ पर टूट चुकी है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, ये ठीक है कि नहीं पूरी तरह से चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से खोलना होगा आपको घुमा घुमा के। इसमें बहुत सारे थ्रेड है, ये एडजस्ट करने के लिए दिया है तो ऊपर नीचे करने के लिए। तो इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा ये पूरा ठीक है मेरा, सिर्फ ये जो बेलसा है पावर पीछे वाला बेलसा सपोर्ट के लिए तो ये टूट चुकी है, जो कि मैंने पहले इसको होल्डिंग किया वही टूट चुकी है। देखिए आप, इसमें थोड़ा बैन है, मैंने पहले से इसमें होल्डिंग किया हुआ है तो वही टूट चुकी है फिर से। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नया लगा के किस तरह आपको फिटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और हमारे चैनल में अभी तक आपने नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर दोस्तों। ठीक है, तो चल फिर चलते हैं नया की बात, नया नया और किस तरह नया को फिटिंग करते हैं। चल फिर नया वाला को फिटिंग करके दिखाते हैं मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा जो नया बेलसा है पीछे वाला, पीछे के सपोर्ट के लिए और एडजस्ट करने के लिए मैं पुराना एडजस्ट में नहीं लगा देता हूँ। यह जो तेरे बहुत सारे तेरे थे उसमें, और ये जो दिख रहेगा रेड कलर में आप, मैंने पकड़ लिया, ये नया वाला बेलसा है मेरा पीछे तरफ जो लगाता है इसको। और आप चाहे तो उसमें चक्का भी लगाने सकेगा, लेकिन क्योंकि मुझे चक्का अच्छा नहीं लगता तो मैं यही लगा लेता हूँ मेरा, और मैं यही लेके आया बेलसा वाला ही। तो इस तरह से आपको लगना होगा पहले, आप चाहो तो इसको और घुमा घुमा के अंदर भी दे सकते हैं। फिर आपको लगाने के बाद ये जो पाइप देख रहे हैं आपको यह इस तरह से घुमाना होगा, घुसाना होगा। फिर ऊपर एक हेड है, मैं उसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये देख रहे मेरे हाथ में है। आप देखिए दोस्तों, ये ऊपर होगा सबसे पहले, और आपको इसमें एक होल भी मिलेगा, वहाँ से लॉक आपको देना होगा। ये देखिए इसमें होल है, तो आपको वहाँ से एक लॉक भी आपको देना होगा। तो इस तरह से मैं इसको यह एक लॉक दे देता हूँ, क्योंकि मेरा पुराना सामान है तो लॉक भी गायब हो चुकी है, तो मैं खुद बना के लॉक दे दिया इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर चलती है मैं पावर टिलर पर और कर लेते हैं इसे भी फिट हम मशीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मैं अपने पावर टिलर पर और कर लेता हूँ मैं अभी यह पावर टिलर पर फिट। तो इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा कहाँ फिट करना है, तो मैं आपको दिखाऊँगा इस तरह से। पहले आपको पूरा खोल के जो कि मैंने फिट किया, आपको फिर से खोलना होगा क्योंकि मैं दिखा दिया सिर्फ आपको किस तरह लगाना है। तो फिर आपको इस तरह से ये जो पाइप देखा इस होल में घुसाना होगा, फिर इस तरह से फिर से आपको जो पावर टिलर में वो बिल्सा का पीछे बिल्सा के उसमें थ्रेड है उसको लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ लगा के लॉक को पूरा लगाना होगा। तो मैं पहले अपने पावर टिलर को इस तरह से ऊँचा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा दिक्कत ना हो लगाने में। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाऊँगा स्टेप बाई स्टेप किस तरह लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ इस तरह से, जो अब दिख रहे होगा पाइप में होल है तो उसमें इस तरह से घुसाना होगा दोस्तों। इस तरह से घुसा के आपको जो उसमें एक लॉक है अप डाउन करने के लिए, उस लॉक को आपको लगाना होगा। आपको किस तरह मैं पहले दिखा चुकी है कि इस तरह आपको उसको फिटिंग करना है, उसी तरह आपको फिटिंग करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको मैंने दिखाया पहले उसमें नया में किस तरह आपको फिटिंग करना है, उसी तरह से लगाना है। और मेरा ये जो लॉक दिखाया ये भी गायब हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा कोट का पीछे इसको लॉक कर दिया है ताकि नीचे ना आ जाए। तो इस तरह से आपको लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की मेरे वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपने हमारे चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर जरूर करना दोस्तों मेरा वीडियो को, आपको अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।